ये हाइपरकैलेमिया पेशेंट को ये उसका रेसिमेरोन कल्चर यहाँ आया हुआ है। अब मैंने कैल्शियम देना है इसको रिलीज करना ताकि और उसके बाद आपने कैल्शियम कहिए जो ऊपर आ गया भाई इसको वापस लेके जाना है बाई रिमूविंग दी बॉडी। बस कोई मेरे ख्याल में आप इस लाइट पर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन कल्चर यहाँ था आपने कैल्शियम दे दिया इसको आपने रिलीज कर दिया ये डिस्टेंस आपका बढ़ गया। अब अगर हाइपरकैलेमिया था तो ये जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन कल्चर ऊपर आ गया होगा जिसकी वजह से एक्साइटेबिलिटी बढ़ गई इसको आपने कैल्शियम दिया तो ये थ्रेशोल्ड प्रेशर ऊपर चला गया जिससे आपका मेंटेन हो गया तो जिसकी वजह से फिर आपको इमीडिएट जो है कार्डियक स्टेबलाइजेशन जो है वो आपको मिलती है। कैल्शियम कितना देना है कितना देते हो कैल्शियम 1-2-3 एमपीयू दे सकते हो कैल्शियम क्लोराइड के तो दैट मींस 9 एमपीयू ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के दे सकते हो और बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका ईसीजी को मॉनिटर करो जो एक्यूट चेंजेस जब तक रिवर्स नहीं होती आप 2-3 मिनट के बाद वो कैल्शियम दे ओके मगर उसमें आपको हाइपरकैल्शियमिया भी हो सकता है इस वजह से उसको भी ख्याल रखना है। तो आमतौर पर 3 एमपीयू तक ऊपर नीचे आप दे सकते हैं और उसके साथ बाकी चीजें आपको इंसुलिन इंसुलिन ट्राइजिप कैल्शियम इनटू दिस ग्लूकोज साथ क्यों देते हो हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए ग्लूकोज कैल्शियम को कुछ नहीं करता है इंसुलिन ट्राइजिप कैल्शियम तो वो आपने सिर्फ उसको हाइपोग्लाइसीमिया रोकने के लिए साथ देते हो। जो आयन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं आपके ये कैक्सिलेटेड क्या चीज है सोडियम कैप्सिलेट जो है आपका सोडियम साल्ट इसका एक ग्राम के साथ 4.5 मिलीग्राम सोडियम है एक ग्राम के कैप्सिलेट में 4.5 मिलीग्राम सोडियम और तकरीबन उसका 1/3 जो है वो एक्सचेंजेस पोटेशियम तो रफली यही कह रहे कि एक ग्राम के लिए 1 मिलीग्राम पोटेशियम आपका चेंज सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा कैल्शियम बाहर आएगा पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या पल्मोनरी एडिमा ऑलरेडी है तो ज्यादा कैक्सिलेट आप देते हो तो उसकी सोडियम लोड वो लोड बढ़ सकता है तो उस चीज का ख्याल रखना जो सोडियम है दूसरा कैल्शियम मेजोनियम है और ये टिकोमार और साइक्लोसिलिकेट जो है वो भी तो यहाँ नहीं है अगर वो अवेलेबल है डाइजेटिक आईसी फ्लोसिमाइड के जैसे वार्ड के लिए मेरा पेशेंट है तो ज्यादा अच्छा चॉइस होगा ठीक है मेरे कौन से नहीं है उसके जैसे ये जो मैं अभी दिखाया था आपको कि
ये हाइपोबुलिमिया था, ये था शॉर्ट टेंशन जोरासिक में भी यहाँ पे चला गया, ठीक है। इस पेशेंट को अगर आपने कैल्शियम दे दिया तो ये और ऊपर चला जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, तो वो काम नहीं करना। हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा, पूछ लिया तो यार पुराने वाले कुछ चली होती कि मैं उन्होंने भी दिलचस्पी ली है, कुछ सुनाया कुछ है। अगर नहीं पूछते किसी को कोई सोचो नहीं दी पोटेशियम की एक्सक्रीशन के लिए क्या चीज जरूरी है? कैल्शियम की एक्सक्रीशन के लिए एडिक्वेट सोडियम की डिलीवरी हो डिस्टल के लिए। अगर सोडियम डिलीवर नहीं हो रहा तो कैल्शियम भी वहां पे एक्सक्रीट नहीं है। दूसरा, आपकी जो यूरिन फ्लो रेट है ऑस्मोलैरिटी को इसलिए ला रहा है कि अगर तो ऑस्मोलैरिटी कम है तो इसका मतलब यूरिन फ्लो रेट ज्यादा होगा, अगर यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है तो यूरिन फ्लो रेट कम है। और आपकी के मैक्सी चैनल जो है वो ओपन करती है यूरिन फ्लो रेट पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा यूरिन फ्लो रेट होगा वो चैनल ओपन करेगी, कैल्शियम की एक्सक्रीशन बढ़ेगी। और बेसिकली यही देखना है आपने कि भी एडिक्वेट वहां पे फ्लूड पहुंच रहा है, सोडियम पहुंच रहा है, एडिक्वेट वॉल्यूम पहुंच रहा है, तो फिर उसकी थोड़ी बहुत अभी इम्पोर्टेंस है। दूसरे लफ्जों में आप सिंपल सिंपल चीज जो कर सकते हैं वो कि 24 आवर यूरिन पे टेस्ट, 15 मिली इक्विवेलेंट से अगर ज्यादा है तो फिर का मतलब फिर यूरिन में पोटेशियम की एक्सक्रीशन हो रही है, 15 मिली इक्विवेलेंट से कम है तो फिर देखना तो यही है कि थोड़ी एक्सीडेंट हो रही है। तो बेसिकली आपने डिफरेंशिएट ये करना है कि ये बेसिकली जो एक्सक्रीशन का मसला है या एडिशन का मसला है, और एडिशन आपका दोनों तरफ से होता है कि ट्रांसजेंडर शिफ्ट की वजह से है या एक्सेप्शन की। उसमें आपने हिस्ट्री, डाइटरी हिस्ट्री, मेडिसिन की हिस्ट्री लेनी है और उसके बाद क्लिनिकल कंडीशन देखनी है जिसमें ट्रांसजेंडर शिफ्ट हो सकती है। और उसमें ऑब्वियसली एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टिश्यू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऐसी जो क्या होगा, पीएच अगर आपकी कम होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन इनसाइड सेल्स मूव करेगी, बाहर आएगा। पीएच कब कम होगी, जब हाइड्रोजन ज्यादा होगा।
हाइड्रोजन बफर करेगा, अंदर जाएगा टाइटन को बाहर निकाल देगा। तो पीएच देखनी है आपने, कैल्शियम देखना है आपने, ईसीजी पहले नंबर पे ईसीजी देखनी है, और ईसीजी में आपने और क्या देखना है, आपके पास जो पेशेंट आते हैं रीनल फेलर वाले, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस कौन सी है? आज मैं देखना शुरू कर दो, जितना भी पेशेंट आते हैं रीनल फेलर वाले एडमिट होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब होता है, हाइपो कैल्शियम और हाइपर कैल्शियम, दोनों चीजें कॉमन है, और वो इमीडिएटली आपको ईसीजी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस जो है क्यूटी ट्रेवल वाइड होगा और टारगेट टीवेस भी, तो उस पे आप सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो कैल्शियम को भी देखना आपके पास जरूरी है, पीएच को देखना भी जरूरी है। पोटेशियम को सेल के अंदर शिफ्ट करने के लिए ग्लूकोज इंसुलिन या बीटा जो न्यूबलाइज करते हैं उससे ज्यादा इफेक्टिव आपका सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है उस स्टेज पे जहाँ पे पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, तो आपको पीएच ब्लड गैसेस को आगे पीएच देख ली, तो अगर वो सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप ज्यादा दे सकते हो उसको शिफ्ट करने के लिए। अगर वो पीएच पहले ही ज्यादा है तो फिर ऑब्वियसली आप मजीद बाइकार्बोनेट नहीं दोगे, वहां ग्लूकोज इंसुलिन और बीटा एडिनोसिन स्टिमुलेशन वो आप करोगे। कैल्शियम अगर कम है तो कैल्शियम आप दे दोगे बोल्डली दे दोगे आसानी हो जाएगी, और पहले ही कैल्शियम ज्यादा है तो फिर और कैल्शियम से थोड़ा सा रिलक्टेंट हो, तो वो आपने पीएच कैल्शियम और उसके पहले ईसीजी की, और ईसीजी की चेंजेस भी अगर आपको पोटेशियम ज्यादा मिल रहा है और ईसीजी में चेंजेस नहीं मिल रहे तो सूडो हाइपरकैलेमिया पहले नंबर पर, सूडो हाइपरकैलेमिया अगर व्हाइट सेल काउंट नॉर्मल है प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है तो लेस लाइकली के सूडो हाइपरकैलेमिया हो, मगर वहाँ जो ब्लड ड्रा करने की टेक्निक में डिफरेंस होता है कि टोनी के लगा के काफी देर एक्सरसाइज करवाई ब्लड निकल नहीं रहा जोर के साथ उससे इनसे बारीकी वे में डाल के जबरदस्ती आप खींचने की कोशिश की तो ऐसी सूरत में आपका हिमोलिसिस, हिमोलिसिस की वजह से अगर हाइपरकैलेमिया है वो इम्पोर्टेंट क्या है उसकी, आप ये देखना कि ये इन विट्रो हिमोलिसिस है या इन वीवो हिमोलिसिस, अगर इन वीवो हिमोलिसिस हुई है रेंडम अलायंस पायरासिस से ही या आपकी हिमोलिसिस से तो वो इन वीवो भी हिमोलिसिस होगी, कैल्शियम जो है इनसाइड दी बॉडी जो है ज्यादा होगा। अगर इन विट्रो हिमोलिसिस हो रही है तो वो फिर मसला नहीं होगा, तो डिफरेंस दोनों में क्या होगा कि सिग्निफिकेंट हाइपरकैलेमिया तभी होगा सीरम का कलर चेंज हो जाएगा, हिमोलिसिस जो है लेबॉरेटरी कॉल कर देती है कि इसका पेशेंट का ब्लड जो है हिमोलाइज है, अगर अच्छी है लेबॉरेटरी वाले कॉल कर देंगे इसकी टेस्ट ज्यादा तो रिपीट करें इसको।
ये बंदा था, ये बंदा था।